नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर विकास सिंह है। मैं पटना के नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी के पद पर कार्यरत हूँ। तो कई सारे लोग आते हैं जिनको हार्ट की बीमारी होती है, वो जानना चाहते हैं कि आखिर मुझे हार्ट की बीमारी हो क्यों गई। यकीन मानिए, बहुत मुश्किल सवाल है इसका जवाब देना, क्योंकि लोगों को लगता है कि बाकी लोग हैं जो मेरे से ज़्यादा धूम्रपान कर रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल मेरे से ज़्यादा गड़बड़ है, बट मुझे ही क्यों हार्ट की दिक्कत हो गई। तो कारण को समझना होगा। ये कई वजहों से होता है, जिसको हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। एक है जेनेटिक वजह, ऐसी वजह है जिनके साथ आप पैदा होते हैं, जो आपको अपने माँ बाऊजी से अनुवांशिक रूप से मिलता है, जिनको जेनेटिक वजह कहते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, उनको हार्ट की बीमारी होने का खतरा जन्म से ही ज़्यादा होता है। और इनके अलावे वजह होती हैं जिनको हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं, ऐसी वजह जो आपके हाथ में है, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारा सारा ध्यान ऐसे ही अक्वायर्ड फैक्टर्स पे होगा, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को आप काबू में कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज़रूरी है अपना वजन नियंत्रित करना, इसको बिल्कुल ना बढ़ने दें। खान पान का ध्यान रखना, तो तली चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें, तेल घी मसाला का इस्तेमाल कम करें। रेड मीट हार्ट के ख्याल से अच्छी बिल्कुल नहीं है। हरी पत्तेदार सब्जियां हुई या सीजनल फ्रूट्स हुए, इनका सेवन करें। डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं आपके लिए। मछली, नॉन वेजिटेरियन खाने वाले लोग मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावे अगर आपको ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की या कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, तो इसका बिल्कुल ख्याल रखें कि ये चीज़ें काबू में हो, नियंत्रण में हो। और इसके लिए अपने डॉक्टर से नियमित मिलते रहें। धूम्रपान एक बहुत बड़ी वजह है कम उम्र में हार्ट की दिक्कत होने की, और इसलिए हम लोग बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि धूम्रपान को ना कहिए। और ये किसी रूप में तंबाकू का सेवन वर्जित है आपके लिए, चाहे वो खैनी हो, बीड़ी हो, पान मसाला हो, हर रूप में आपके लिए उतना ही हानिकारक है। शराब का इस्तेमाल नहीं करना है। और आज के इस समय में मानसिक तनाव, ये भी एक बड़ी वजह है हार्ट की बीमारी होने का। तो लोगों में इतनी ज़्यादा महत्वाकांक्षा है, सब कम समय में बहुत सारा चीज़ हासिल करना चाहते हैं, और कई बार उसकी कीमत आपको अपने हृदय पे परेशानी के तौर पे चुकाना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें, आप काफ़ी हद तक हृदय की परेशानी से बचे रहेंगे। थैंक यू।